मॉर्निंग और 4:30 हो चुके हैं और ये अभी भी सो रहे हैं सारे के सारे। अब मैं इनको जगाऊँ या नहीं जगाऊँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बार पूछ लेता हूँ ये क्या लोग ये क्या जवाब देते हैं। विनय 4:30 हो गया, मतलब पूरे 5 बजने वाले हैं, बताओ क्या करना है? सो जा, चल। दर्शन नहीं हो पाएंगे? मैं पहले कहता ना ये लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, आप बहुत टाइम लगेगा। ये सोने की कह रहे हैं, सो जाओ। अरे इसके ऊपर रखा है यार, अभी ये रहा। आपको भी सोना है? चलो भाई सो रहे हैं, देखते कितने बजे उठेंगे। ये बाबा की कोई भी नहीं उठ रहा, एक दूसरे को ये बोल रहा तू जाके ना तू जाके ना कोई उठ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मैंने बोला मैं भी नहीं उठ रहा, मैं भी सो रहा हूँ। विनय कह रहा तू जाके ना क्या, कमल कह रहा तू जाके ना क्या पहले। अब भैया तो सोने उठने का नाम ही ले रहे हो, कह रहे सो जाओ, तो मैं भी सो रहा हूँ थोड़ी देर। चलो आज एकादशी है, अब पता नहीं सुबह के 5 बजने में 10-15 मिनट। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। विनय कितने बजे उठना है बता दे लास्ट। कमल से पूछो, तू तो ऐसे बोले कमल 6 बजे उठना है। 6 बजे उठना है फिर? 6 चल ठीक है, 6 बजे उठेंगे, सो जाओ। नहीं उठने का मन कर रहा किसी का? जा विनय ना क्यों जा यार, देख टाइम हो गया, मैं बोल बात मान ले। पागल नहा के आएगा तो ये रहेगा विनय नहाया है, हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर है। ओके तुझे नहाया है एक बार? चल उठ फ्रेश काम कर। चलो उठ रहे हैं, मैं थोड़ा एक दम थोड़ी सी झपकी ले लेता हूँ। नहीं कमाल 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आँख खुली है मेरी, बट कमर में मेरे बहुत दर्द है मेरे यार, इतना दर्द कभी हुआ नहीं मेरे। देखो कितनी सारी गाड़ी है यार, पार्किंग है आज तो कम है, फिर भी लोग आ रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। उस साइड मंदिर है, तैयार हो चुके हैं हम लोग। अब कमल नहाने गया, आयुष भैया नहा चुके हैं, विनय नहा चुके, विनय तैयार हो रहा है, नंगा है वरना तो। बेटा यहाँ यहाँ लगाना ठीक है, ये वाला अच्छा से लगाना एकदम। बीच में इरादे लगा दो, ऊपर राधे राधे, बस 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 राधे ला लगाओ बेटा। वो दोनों आगे चले गए और हम पीछे रह गए, दोनों की दोनों। बहुत तेज भूख भी लग रही है कमल, अगर हमें टिकट ही लगवा लिया पूरे रास्ते पे टिकट लगेगा ना, फिर बार बार आएंगे। अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा, फिर बार बार वो टिकट लगाने आएंगे बार बार। चलो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखो भाई दिन का नज़ारा भी देख लो, ये मार्केट है पूरी खाडू बाबा की। जय बाबा की। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि आज एकादशी थी। यहाँ से दर्शन हुए थे, आज यहाँ बंद कर दिया सुबह मॉर्निंग में। अभी हम जा रहे हैं श्याम कुंड, टाइम लग गई, मैंने देखा नहीं है, मैं 2 बार तीसरी बार दर्शन करने जा रहा हूँ, बट शाम को निकल गया, शाम को निकल गया। फाइनली हम श्याम कुंड पहुँच गए और श्याम कुंड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी कि मैंने किसी से कैमरा देके वीडियो बनवाई, मतलब ये सॉरी आयुष भैया ने बनाई थी हमारे। और ये श्याम कुंड है, ये छोटा वाला श्याम कुंड है, आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। ये पानी रास्ते में जब हम जाते हैं श्याम कुंड की तरफ, ये दूसरा श्याम कुंड है,
मतलब उससे ही कनेक्ट है जिससे हम अभी होकर आ रहे हैं। ये भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, देखो ये कितना बड़ा कुंड है और इसमें लोग नहा रहे हैं। और थोड़ा सा ही पानी है, जल बोल लो उसको, जो थोड़ा सा जल है उसी में लोग नहा रहे हैं बैठ बैठ के। और मैं भी नीचे गया था थोड़ा सा घूमने के लिए, देख के आओ नीचे, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था ये श्याम कुंड। उससे पहले मैं एक बार आ चुका हूँ, मैंने नहीं देखा था, तो मैं थोड़ा सा घूम कर आया नीचे। कमल और मैं देख के आए थे नीचे तक, और यहाँ घर बन रहे थे, लोग घर बना रहे थे, फिर हम वापस जा रहे थे दर्शन करने के लिए। और ये वही लाइन है दर्शन करने के। ये देखो दिन का नज़ारा है, सुबह 9 बजे। कल जो हमने दर्शन किए थे वो उस साइड से किए थे, अब हम इस साइड से आए हैं। अच्छा, इन लोगों की वीडियो बन रही है। जब मैं पहली बार आया था तब ये रास्ता नहीं बना हुआ था, ये रास्ता अभी बनाया है। यहाँ से दर्शन हो सकते हैं आसानी से, और यहाँ से दर्शन आसान से, और थोड़े पास से बाबा जी को देख पाते हैं। और ये देखो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई बाबा की, अगर आप लोगों को दिख रहे तो आप लोग भी दर्शन कर लो। जय बाबा की। अच्छे हुए अभी, सॉरी रात दर्शन अच्छे हुए अभी? अभी 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 अच्छे हुए हैं, अभी हमने पास से देखे बिल्कुल बाबा जी, क्लियर था, लगा के देखा और बहुत सही लग रहा था, अभी फेस क्लियर दिख रहा था। ये एग्जिट गेट है जहाँ से लोग दर्शन करके बाहर की तरफ निकलते हैं, तो लोग अंदर प्रसाद नहीं चढ़ा पाते, तो यहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर किसी को पता हो ये फेमस कचौड़ी वाला है जो कड़ी और कचौड़ी देता है, अगर कोई खाटू श्याम आया तो उसको पता होगा। तो हम लोगों ने कचौड़ी खाई सामने बैठ कर मिलकर, और मेरे कुर्ते पर थे वो कचौड़ी कड़ी गिर गई थी। सालासर भी जाएंगे अभी हम, और अभी 8 या 9 बज रहे हैं अभी, वो दुकान में शॉपिंग कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ उसे। मैं तो आ गया, वो लोग पीछे शॉपिंग कर रहे हैं अभी भी। मेरा बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मतलब मेरा इतना जल्दी पेन होता नहीं है, बट इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। और ये रहा मूव, अभी मैं जाके मूव लगाऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। मैं होटल पहुँच रहा हूँ, वो आते रहेंगे। 17 हो रहे हैं अभी, बस अब मैं पहुँच गया होटल। अभी एक अंकल ने बताया हमें बालाजी पहुँचने में हमें यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, बहुत अच्छी बात है। रूम की हालत ऐसी कर रखी है, ऐसे घर में भी नहीं रखते हम लोग। अब मैं उतार रहा हूँ कुर्ता, मेरे पे बैठ नहीं जाएगा क्योंकि सारा सर है, वहाँ जाके डाल लूँगा, लेकिन अभी उतारता हूँ गाड़ी में, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा बैठना चाहता हूँ कि सफोकेशन ना हो मुझे। सच में रिलीफ मिल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी पैकिंग करनी है सब, वो आते होंगे। ये तो मेरी मेडिसिन है जो वॉमिटिंग वगैरह होगी, ये स्प्रे लेके आया मेरे ने, बताऊँ क्या हुआ, मैंने डेड लिफ्ट करी थी तो मेरे ये जो है ना ये बहुत पेन कर रहा है, झुक रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, बैठ रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, मतलब बहुत। मारा भी तो मैंने 100 kg मारा था, 20 की दौड़, 40-40, तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा हवाबाजी में मैंने ज़्यादा वेट उठा लिया। अब मैं ये करूँगा, अब बाय, थोड़ी देर मिलते हैं। चलो भाई कैमरा मैन को। एकादशी भी है ना, जिस वजह से तो और ज़्यादा क्राउड बढ़ता जा रहा है। सही रहा हम कल आए और आज हम सालासर जा रहे हैं, अच्छा हुआ हमारे दर्शन भी हो गए। अभी हम अब बजे मे भी 9 या कुछ नहीं 9 से ऊपर ही हो रहा था अभी, तो मैं टाइम नहीं दे सकता ना, कुछ है नहीं मेरे पास फ़ोन, और इसमें मैं व्लॉगिंग करता हूँ बस। क्या लगा आपको? क्या मंदिर तो अच्छा था। हाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा मतलब दर्शन करने के बाद? इस बार भी नहीं मिला था मौका, और ऐसा मिला दो बार दर्शन करने। तू भी हाथ पर चला लिया कर भाई, ये वाले हाथ पर नहीं चलाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। राहुल बन जाएगा थोड़ी देर। हाँ मैं बन जाऊँ पार्वती आज भी सुना रहा था उनको यार। नहीं सुंदर लगे काली में, और में कूद ये सही है, ये सही जुगाड़ था। देख स्प्रे लगाने से मुझे आराम तो मिल गया, लेकिन ठंड लग रही है अब, गर्मी दे देंगे। कर गई धूप बहुत तगड़ी वाली, और अब हम जा रहे हैं सालासर। अभी गाड़ी हम पार्किंग से बाहर निकाल रहे हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं। हम कितने बजे पहुंचे?
भैया 12:24 हम पहुंच चुके हैं। 12:24 में हम पहुंचे हैं। अभी मंदिर नहीं पहुंचे, अभी हम चलेंगे और फिर मेरा नींबू खा रहा। लो भाई देख लो बालाजी मंदिर के बाहर का नज़ारा, ये बाहर मार्केट लगी हुई है और हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच गए। ये लो श्री बालाजी मंदिर, देखने में छोटा था लेकिन बहुत बड़ा मंदिर है। ये लो ये प्रवेश है, प्रवेश द्वार, यहाँ से हमने एंट्री की क्योंकि मैं पहली बार गया था तो मैं सोचा ब्लॉग अच्छे से बनाऊंगा। ये मार्केट है पूरी, बहुत पब्लिक थी। ये लो जी माथा टेको, बोलो बालाजी महाराज की जय। ये मंदिर अंदर डिज़ाइन हो रखा था, मतलब बन रहा था अभी। और ये हवन कुंड है जिसमें अभी भी आग निकल रही थी, आग जारी हो रही थी। और ये यहाँ से देखो मंदिर कितना आसपास नियर बाय दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से हमें लोगों को इतना चलवाया, इन लोगों ने इतना चलवाया कि मैं क्या बोलूँ। आप लोग खुद देखो कितना चलवाया और इतनी लाइनों से निकलवाया हमें। मंदिर पहुँचना था हमें सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन इतना घुमा रखा था ना, बहुत घुमा रखा था। 16-17 लाइन थी, पता नहीं कैसे लाइनों से घुमाया, कभी इधर से निकाला कभी इधर से निकाला। ये देखो कितनी लाइन थी, कह रहे सब बोल रहे थे क्योंकि आज शनिवार है इसलिए आज ज़्यादा भीड़ है। हम धीरे धीरे पहुँच रहे थे, जहाँ जहाँ कूलर लग रहा था वहाँ मज़ा आ रहा था और जहाँ कूलर नहीं था वहाँ गर्मी थी। गर्मी बहुत थी, लड़की बेहोश हो गई थी, यहाँ पर बहुत भीड़ थी गर्मी की वजह से। यहाँ जो छोटे बच्चे थे वो पिचक रहे थे, दब रहे थे क्योंकि धक्का मुक्की ज़्यादा हो रहा था। हम सबको यहाँ पहुँचने में कम से कम मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगा हुआ हमें यहाँ आने में। बाबा ने इतना चलवाया, पीछे वाला गेट खोल दिया लोगों के लिए, हम यहाँ आ गए। अब आके लोगों को आसान हो जाएगा थोड़ा सा। लो जी हम तो वहीं आ गए जहाँ से मैंने एंट्री की थी मंदिर के दर्शन करने के लिए, हम वहीं पहुँच गए। इतना घुमा रखा था बताओ आप, सोचो आप लोग। ये लो बालाजी के दर्शन कर लो आप लोग, मैंने आराम से वीडियो बना लिया था दुबके से थोड़ा सा। ये देखो बालाजी मैंने पहली बार देखे, मुझे भी अच्छा लगा। कुछ भी तो पसंद नहीं आ रहा यार लेने के लिए। कुछ लेने का मन कर रहा है आपका? महंगा बहुत दे रहे हैं सारा सामान, है ही नहीं। अरे आओ, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, दर्शन हो चुके हैं हमारे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ भैया अच्छे से दर्शन हुए आप, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, कहो जी जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ भैया 3:30 3:16 और कब तक पहुंच जाएंगे दिल्ली? 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक प्लेट लगा दो। चलो भाई भूख लग रही है बाद।